हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं उलन राखी और वो भी 10 रुपए के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये डोरी लच्छी ली है और इसके एक साइड को पूरी तरह से इस तरह से काट लिया है। देखिए, बिल्कुल इस तरीका से हम काट लेंगे। इसके बाद हम इसके बीच से इस तरह से सीधा कर लेंगे और उसमें से कुछ जो धागे हैं, यानी 6 धागे हम इसमें निकाल करके रख लेंगे। 6 और 1 7 धागा इधर एक साइड हम निकाल करके रख लेंगे। अभी हमारे पास ये लंबा सा धागा है, इसके एक कॉर्नर को हम इस तरीके से पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब इसके एक यहाँ पर से बांध देंगे। इस तरीके से बांध करके एकदम सिक्योर कर देंगे हम। देखिए, इस तरीके से इस तरह गार्ड बांध करके उसे सिक्योर कर दिया मैंने। इस तरह से गार्ड बांधना है कि हमारा गार्ड बन के ये हो गया सिक्योर। इसको हम काट करके हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो धागा है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट जो स्टेप हमारा है उसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हम अपने पिन को लेंगे, एक पिन को यहाँ इस तरीका से हम अटैच कर दिए हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं, उसी में हम अपने धागों को इस तरह से लगा दिए हैं। अब धागों को हमें काउंट कर लेना है। काउंट करने में कितना हमारा धागा है उसको 3 भाग में बांट लेना है। बांटने के बाद इसे जैसे हम अपने बालों को गूंथते हैं ना, वैसे इसे गूंथना है, पर टाइट नहीं गूंथना है, ढीला ढीला गूंथना है। ढीला ढीला गूंथने पर हमारा ये जो है अच्छा सा चोटी बनेगा। इसको हम ढीला इसलिए भी नहीं कि ये हम आसानी से साइड साइड को निकाल सकें। इस तरह से पूरा बिन करके हमको कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट जितना हमारा लंबा धागा है उसको पूरा कंप्लीट इस तरह से गूंथते जाएंगे, गूंथ करके और कंप्लीट करेंगे। चलिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने अपना ये जो गूंथा था एक गूंथ करके मैंने कंप्लीट कर लिया। पिन को हटा देंगे। अब देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे से भी बांध दिया है मैंने। अब इसको हल्का हल्का ट्रिम करना है। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का साइड साइड से हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है, सिर्फ हल्का हल्का खींचना है दोनों साइड से। देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से हल्का हल्का खींच लेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट साइड पे चलेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन में जो लास्ट वाला जो कॉर्नर है उस पर आ जाएंगे, उसको इस तरह से गोल घुमाएंगे और वहीं पर से हम सुई धागा की मदद से इसको सिक्योर करते जाएंगे और घुमा करके फिर से सिलते जाएंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा और घुमाया और इस तरह से सिक्योर करते जा रहे हैं। ठीक, इसी प्रोसेस से को हम पूरा इसको गोला को लपेट लेंगे। जो हमारा चोटी बना हुआ है ना, उसको पूरा इस तरह से लपेट करके और पीछे साइड से, ये हमारा फ्रंट साइड है, इसका पीछे साइड बैक साइड से हमें से स्टिचिंग भी करते जानी है, मतलब सिल देना है इसको कि ये खुले नहीं। इसका गोला गोला जो हमने किया है ये खुलना नहीं चाहिए। इस तरीका से हमको सुई और धागे की मदद से इसको बीनते जाएंगे। हम इसको पूरा सिलाई कर देंगे कि वो खुले नहीं। देखिए इस तरीका से, देखिए ऊपर का ये भाग है, नीचे का भाग है। अब सुई के धागा से देखिए हम इसको बिल्कुल सिल देते हैं। पहले हम जो कॉर्नर है उसको बीच में करके के इस तरह से साइड में ही है, पर ज़्यादा बीच में नहीं करेंगे, पर बाद में हमको उसको करना होगा। पहले हम इसको बीच के हिस्से को सिक्योर कर लेते हैं। किस तरह से सिल करके हमने सिक्योर कर लिया है। और साइड वाला हिस्सा है थोड़ा थोड़ा भी नज़र आ रहा है, पर उसको हम बाद में ठीक करेंगे। इसके बाद हमें ये कुछ मोती मैंने वाइट कलर के ली है, मोती को ले लेंगे और इसमें सुई धागे की मदद से बीच में हम धागे को ले आएंगे और 5 जो है मोती वो हम इसमें लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने 5 मोती इसमें ले ले रही हूँ। ये मैंने 5 मोती ले लिया है। अब इसमें मैंने बीच में ला करके और फिर से पीछे की तरफ मैं सुई को निकालूंगी, धागे को। बाद वो हमने बीच में अटैच कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने सुई में धागा लगा लिया है और बीच से ये एक धागा जो है वो ले लिया है और कार्ड बांध दिया। देखिए इस तरह का से, और उसमें मैं मोती इस तरह का से इन करूंगी। धागे में हमको मोती लगाना, डायरेक्ट मोती नहीं लगेगा, इसलिए मैंने धागे की मदद से इस तरह से कर लिया है। इसमें मैं 7 मोती लगाऊंगी। इस तरीका से आपको 6 पीस इस बनाना है, 6 पीस तैयार करना है। एक में एक जो होगा 7 मोती वाला होगा और एक जो होगा वो 6 मोती वाला होगा। 7 मोती वाला 4 पीस आपको इस तरह से तैयार करना है
और दो पीस जो है वो छह मोती वाला इस तरीका का तैयार करना है। देखिए मैंने इस तरीका से इसको तैयार कर लिया, इसमें सात मोती मैंने इन करके रख लिया है। देखिए इस तरीका से थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, अब इसको काट के निकालेंगे और नेक्स्ट इसी तरीका से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सात मोती वाला ये चार पीस तैयार किया है, और जो हमने छह मोती वाला है उसको दो पीस तैयार किया है। ये देखिए ये मैंने छह मोती वाला जो है वो मैंने दो पीस तैयार किए, छह पीस है देखिए। अब हम जो है सात पीस वाला मोती वाला दो पीस लेंगे और एक पीस छह मोती वाला, मैंने सात मोती वाला लगा दिया, अब इस पे छह मोती वाला लगा देंगे पिन पर अटैच करते जा रहे देखिए इस तरीके से, और फिर से एक सात मोती वाला, यानी तीन पीस मैंने लिया, दो पीस हुआ सात मोती वाला और एक पीस हुआ छह मोती वाला। ये पिन की मदद से हमको इस तरह से लगा लेना है ताकि हम आसानी से कर सके, किसी को पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो किसी चीज़ में भी अटैच कर सकते हैं, पर ये सबसे आसान तरीका है। आप पिन इस तरह से चीज़ में लगा दीजिए पिन और उसमें अटैच करके कीजिए। अब हम सुई धागे में लगा लेंगे और इस तरीका से एक एक मोती को आगे लेके जाएंगे और इस तरह से अटैच करते जाएंगे। किस तरह से मोती को मैंने इस यहाँ पर लगा दिया, अब बीच वाले को मोती को ऊपर करेंगे। ये देखिए मैंने सही प्लेस पे ला करके तब हमको वहाँ पे मोती इन कीजिए। ऊपर इसके बगल में हम ठीक यहाँ ले आए हैं और मोती को इन कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से। अब हम इस साइड का जो हमारा तीसरा है उसको ऊपर करेंगे एक, और इसमें भी हम सुई की मदद से उसमें भी इन कर लेंगे और फिर आगे प्रोसेस पे चलेंगे। बीच वाले में फिर से ले आएंगे, इस तरीका से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ये दो जो सात वाला था ना उसको ऊपर करेंगे हल्का, और जो छह वाला है उसको बीच में थोड़ा नीचे करेंगे। अब आगे इससे नीचे, अब लेंगे इस साइड से फिर से एक मोती ऊपर की तरफ, इसको टाइट कर लेंगे, ढीला नहीं रखेंगे, टाइट करते जाएंगे। एक मोती फिर मैंने सात वाला में से ऊपर किया और इस तरीका से ऊपर की तरफ से नीचे, नीचे के ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे इस तरह से लाए। फिर बीच वाले में से छह वाले छह पीस मोती वाले में से चलेंगे, एक पीस ऊपर ले आएंगे, इसको टाइट करते जाना है। अगर ढीला हो गया तो खराब हो जाएगा, खराब दिखेगा, इसलिए हम इसको टाइट करते जाएंगे। अब बीच वाले में से एक मोती ऊपर करेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, हर एक में ऊपर नीचे करके सुई से उस जगह को सिक्योर करते जाएंगे कि वो वहाँ से हिले नहीं, जो मोती हमारा है वो वहाँ से हिले नहीं, इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें भी हम एक मोती ऊपर करते जाएंगे, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है जब तक हमारी मोती सारी ख़त्म ना हो जाए। इस तरह का हम दो बना करके तैयार किए, एक साइड मैंने बना करके रखा है और एक ये मैं बना रही हूँ। आपको इस तरह से दो पीस इस तरह से तैयार करना है। इस प्रोसेस के बाद देखिए इस तरह से मुझे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर से पूरा
सभी दागों को जो हम तीन पीस है उसको ले लेंगे, इस तरह से फिंगर पर लपेट लेंगे, फिर उसके नीचे से सुई के धागे से हम लपेट लेंगे और फिर उसमें से क्रॉस कर लेंगे, इस तरह से गांठ को बांध लेंगे। इस तरह का हम गांठ बांध करके तैयार कर लेंगे, तो गांठ बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरीके से गांठ बांध लेंगे। गांठ बांधने के बाद अब हम इसमें से यहाँ पर से सुई धागे को हटा देंगे, काट करके निकाल देंगे। ये हमारा एक और तैयार हो गया। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे चलना है। ये देखिए हमने दो पीस तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे हम। इसे हमें जो हमने गुलाब बना के तैयार किया है उस पर लगाएंगे। लगाने के लिए इस तरीका से हम ले लेंगे और जो हमने बनाया है दो पीस उसे उस पर रख करके इस तरीका से अटैच कर देना है। बस सुई धागे की मदद से उसे सिलते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस सुई धागे की मदद से सिल देना है। हमने 5 से 10 रुपए के अंदर में बना ली है, जो कि मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम 30 से 35 रुपए लगेगी। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।